1575th एपिसोड ऑफ नागपुर्स मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात द्रोणाचार्य के साथ। रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर्स ज्वेलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात द्रोणाचार्य के साथ इन एसोसिएशन विद क्वालिटी सेल्स क्वालिटी टाइल्स। हमारी आज की जो मेहमान है, शी इज द डीन ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। शी हैज बीन वर्किंग फॉर पास्ट 21 years incomplete, and more than that, she comes from a family of education. मतलब शादी के पहले भी और शादी के बाद भी, लेकिन पढ़ाना कब शुरू किया हमारी आज की द्रोणाचार्य डॉक्टर मंजुषा जोशी मैम ने, वो खुद बताएंगी। मैम नमस्कार। मैम स्वागत आपका राज की बात में। मैम एक तो पहले धन्यवाद कि आप अपना कीमती वक्त निकल कर आ रही हैं आप हमसे बात करने के लिए। मैम क्या हुआ 21 साल पहले कि मंजुषा जोशी मैम, जो एक ऐसे परिवार से हैं जहां पर यू नो फादर ही एक प्रोफेसर थे, तो मैम उस परिवार से होने के बाद भी आप शादी के बाद आप टीचिंग प्रोफेशन में आई? जी बिल्कुल। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू करेक्ट यू, थोड़ा सा एक करेक्शन करना चाहूंगी। मेरा नाम मनीषा जोशी है। अरे मनीषा मैम, मंजुषा जोशी मैंने क्यों कहा? मंजुषा सोनी मैम वाज देयर इन बायोटेक्नोलॉजी। ओके ओके। हाँ, और सेकंड थिंग पर मैम मंजुषा नाम भी अच्छा है। हाँ हाँ, मैं मंजुषा एक्चुअली। चलिए मनीषा मैम प्लीज बोलिए। जी जी, द थिंग इज मेरे पापा जो है वो इंजीनियर थे, बट वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में स्टेट गवर्नमेंट में सर्विंग करते थे। पर आफ्टर मैरिज मेरे इन लॉज फैमिली भी जो भी है वो सारे एजुकेशन फील्ड में ही थे, तो उनसे मुझे बहुत मोटिवेशन इंस्पिरेशन और बहुत सपोर्ट मिला टू कम इनटू दिस फील्ड। पहले तो मैं एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा जाना चाहती थी, तो शादी से पहले मैंने 3-3.5 साल एक प्राइवेट कंपनी में एज अ मैनेजर वहां पे मैं जॉब करती थी। पर शादी के बाद फिर उन्होंने बहुत मोटिवेशन मोटिवेट किया और इंस्पायर भी किया, और इसलिए इस वजह से मैं इस फील्ड में आई टीचिंग प्रोफेशन में। और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगने लगा जी। फिर टीचिंग प्रोफेशन इतना अच्छा लगने लगा कि फिर कभी मैंने दोबारा सोचा ही नहीं कि मैं ये छोड़ के किसी और प्रोफेशन में जाऊँ। मैम जब यू नो इस किस्म के प्रोफेशन से हम जुड़ते हैं जहाँ पर लोगों की जिंदगियों को बदलने की बात आती है, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। जब छोटी थी मैम क्या एक चीज देखती थी घर के माहौल में या यू नो अपने फादर साहब को, जो यू नो कहीं ना कहीं आज आप अपने आप में भी इनकल्केट करके उसको इस्तेमाल करती हैं? जी, घर में जो है माय फादर वाज अ वेरी सिंसियर एंड डेडिकेटेड सर्विसमैन। प्लस मेरी सिस्टर्स, मेरे भाई, वो सब बहुत ही सिंसियर और जेन्युइनली और हार्ड वर्किंग तो सारे थे फैमिली में जी। उनसे ही हो सकता है ये क्वालिटी मुझ में भी आ गई। और शादी के बाद भी मेरे इन लॉज या मेरे हस्बैंड, वो सब उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और आगे जाने में उनकी मतलब बहुत बड़ा उनका योगदान है। मैम फर्स्ट ईयर जो होता है कॉलेज का वो सबसे महत्वपूर्ण ईयर होता है। मतलब जब आप स्पेशली जब एक इस किस्म के कैंपस में आप एंट्री करते हो तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाती है, और मैम उसको कहीं ना कहीं मॉनिटर करने का काम, कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका प्ले करने का काम आप करती हैं। मैम क्या एक्सपीरियंस है फर्स्ट ईयर के बच्चों की डीन होना, उस पूरे के पूरे यू नो एडमिन मैनेजमेंट को संभालना, क्या एक्सपीरियंस है? जी सर, ऐसा है कि फर्स्ट ईयर में जब बच्चे आते हैं 12th के बाद जी, तो 12th तक तो उनका बहुत सब कुछ स्पून फीडिंग चालू रहता है जी। आई मीन एज फार एज देयर एजुकेशन इज कंसर्न, राइट। फिर जब वो इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में जब आते हैं तो वो बहुत बड़ा गैप बन जाता है 12th और फर्स्ट ईयर में। वो ओवरकम करने के लिए हमारी जितनी भी फर्स्ट ईयर की पूरी टीम है जी, वो सब बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेती है, बहुत ज्यादा मेहनत करती है सारी टीम। एंड थैंकफुली आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द मैनेजमेंट, टू द प्रिंसिपल, टू माय टीम ऑफ फर्स्ट ईयर, कि वो सब बहुत ज्यादा जी, और बच्चों को आई मीन दे लुक अप टू अस कि हमें यहाँ पे बहुत अच्छा कुछ होने वाला है, हमारा करियर बनने वाला है। तो ये जो पहला साल होता है उनके करियर में भी या उनके ये डिग्री कोर्स में भी बहुत ज्यादा मायने रखता है।
और यहाँ से जब बच्चा जाता है फर्स्ट ईयर से आगे उनके ब्रांच की तरफ जब जाता है जी, तो बहुत अच्छी यादें लेकर जाता है, बहुत कुछ सीख के जाता है। जब 4 साल बाद बच्चा पास आउट होके भी जब जाता है कॉलेज से, तब वापस मुड़ के जब आता है तो फर्स्ट ईयर के टीचर्स को जरूर मिलता है, क्योंकि वो उनके करियर में आने वाले पहले टीचर्स होते हैं, तो वो जरूर आके मिलते हैं और मतलब फर्स्ट ईयर की सारी यादें वो ताजा करते हैं हमारे पास आके और बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। तो फर्स्ट ईयर हम बहुत ज्यादा मेहनत लेते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट्स करते हैं, क्योंकि बच्चों को 12th से फर्स्ट ईयर की गैप ओवरकम करने के लिए बहुत ज्यादा पुश लगता है। बिल्कुल, तो वो सब करने में सारे टीचर्स बहुत ईमानदारी से मेहनत करते हैं। मैम आप पढ़ाती भी हैं, यू आर यू नो यू आर अ प्रोफेसर इन द केमिकल केमिस्ट्री पढ़ाती हैं। मैम एज अ सब्जेक्ट जब यू नो आप केमिस्ट्री पढ़ाती हैं, 11th and 12th में एक रिफ्रेशर, कड़क रिफ्रेशर लेकर बच्चे भी आते हैं, लेकिन यहाँ जब आते हैं तो वो एक स्किल, वो एक करियर के एस्पेक्ट से सब्जेक्ट को देखते हैं। क्या फ़र्क महसूस करती हैं आप यू नो पढ़ाने के तरीके से, या जो एटीट्यूड से प्रियदर्शनी कॉलेज में इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है उसमें क्या फ़र्क देखती हैं? एक्चुअली इंजीनियरिंग का जो केमिस्ट्री पोर्शन होता है वो पूरा अप्लाइड है, अप्लाइड टू इंजीनियरिंग टाइप। उससे पहले 12th तक बहुत फंडामेंटल ही वो पढ़ते हैं, बेसिक केमिस्ट्री, फंडामेंटल केमिस्ट्री जो होती है वो ज्यादा वो पढ़े हुए रहते हैं। और जब वो एप्लीकेशन पार्ट में, वही केमिस्ट्री को हम उनको एप्लीकेशन पार्ट से समझाने जाते हैं तो दे ऑल्सो बिकम वेरी इंटरेस्टेड, तो उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि अरे वाह ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये यहाँ पे मेरे कंप्यूटर साइंस में भी इसकी जरूरत होने वाली है, या ये मुझे सिविल इंजीनियरिंग में भी लगने वाला है। तो इस तरह से जब हम उनको पढ़ाते हैं कि आप जब सीमेंट पढ़ोगे तो उसमें ये केमिस्ट्री है, या आप जब पॉलीमर्स के बारे में पूछोगे पढ़ोगे, या फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ोगे तो उसमें ये केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो बच्चे ऑल्सो दे गेट वेरी इंटरेस्टेड, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है वो पढ़ाने में, और हमें भी बहुत मजा आता है उनको पढ़ाने में। मैम यू कम फ्रॉम अ फैमिली, टू फैमिलीज वेयर एजुकेशन वाज ऑलवेज देयर, सो मैम पढ़ाने के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं आपने किन से सीखे और वो क्या थे? पढ़ाने की बेस्ट प्रैक्टिसेस मैं यहाँ पे कहूँगी कि मैंने इन लॉ से ज़्यादा सीखी, क्योंकि माय फादर इन लॉ वाज अ रिटायर्ड प्रोफेसर फ्रॉम नागपुर यूनिवर्सिटी, माय मदर इन लॉ इज अ रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल ऑफ अ महिला महाविद्यालय, नागपुर का ही कॉलेज है, तो उनसे मैंने वो ज़्यादा लिया है पढ़ाने का जो भी स्किल है या जो भी है। प्लस कॉलेज में भी मैंने बहुत कुछ सीखा है मेरे सीनियर से, मेरे कलीग से, कि कैसे पढ़ाना है, किसी टॉपिक के को कैसे सिंपल करके बच्चों को समझ में आए उस तरीके से उनको बताना है, ये सब उनसे भी मैंने बहुत सीखा और इवॉल्व होते गई इतने सालों में। मैम एजुकेशन पॉलिसी में बहुत समय तक बदलाव नहीं आया, भले करिकुलम में चेंजेस आ रहे थे वक्त के अनुसार, इम्प्लीमेंटेशंस भी हो रहे थे, लेकिन अब पॉलिसी में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, मोर ऑफ अ स्किल्ड यू नो एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के स्टूडेंट को, आज के किसी बच्चे को अपने को एम्प्लॉयबल करना है तो उसमें स्किल का होना बहुत ही ज़रूरी है, और उसके लिए ये जो 4 साल का डिग्री कोर्स उनका रहता है वही एक मेन जरिया होता है उनको स्किल में डेवलप करने के लिए। तो ये जो NEP में या एजुकेशन पॉलिसी में जो बदलाव आ रहा है वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज्यादा। और अभी इंडिया का जो स्टेज हम में पहुंच रहे हैं, हम कह सकते हैं कि डेवलपिंग से हम डेवलप्ड इंडिया की तरफ जो जा रहे हैं, उसमें हर एक इंसान को अपने अपने स्किल को डेवलप करना और उसको अपने देश के लिए यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैम तो, आपके जो हस्बैंड हैं वो बिजनेस में है जी, है ना, तो मैम उनको क्या बेनिफिट्स हैं और आपको एज अ यू नो प्रोफेसर आपको क्या बेनिफिट्स नहीं है? किस बारे में? किसी भी चीज में, लाइफ में। अच्छा, लाइफ में, ओके। मेरे ख्याल से एज अ प्रोफेसर मुझे ज्यादा बेनिफिट है देन एज अ बिजनेसमैन उनको जी, क्योंकि बिजनेसमैन 24/7 काम पे रहता है, प्रोफेसर हम लोग कॉलेज से बाहर निकले तो थोड़ा सा माइंड हमारा शांत हो जाता है, तो इसलिए मैं कहूंगी कि एज अ प्रोफेसर मुझे ज्यादा बेनिफिट है। प्लस मैं कंटिन्यूसली हमेशा यंग माइंड्स के बीच में रहती हूँ, तो बहुत कुछ नया उनसे सीखने को मिलता है मुझे यहाँ, बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है, एंड आई रियली अप्रिशिएट ये नया जनरेशन जो है
वो इतना ज्यादा स्मार्ट है, वो बहुत स्मार्ट है। मैं घर में भी अपने बच्चों को जब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि बाप रे, अगर हम लोग इस एरा में पैदा हुए रहते या इनके साथ अपन बड़े रहते तो सच में बहुत कुछ और सीखने को मिलता। बट दिस जनरेशन इज रियली वेरी स्मार्ट और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैम, एवेन्यूज बहुत हैं, प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं, क्या ये एक लर्नर को कमजोर नहीं बनाते? ये डिपेंड करता है वो लर्नर कौन से एवेन्यूज को किस तरह से लेता है। अगर वो फोकस्ड रह के अपने जो भी उसका ड्रीम है या जो भी उसको करना है, वो अगर थोड़ा सा ज्यादा फोकस्ड रह के उस पर मेहनत करे, उस पर एफर्ट्स ले, उस पर थोड़ी और कोशिश करे, थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट दे, तो वो डेफिनेटली चार लोगों के बीच में अलग से वो यूनिक बन जाएगा और वो आगे बहुत ज्यादा जाएगा। मैम, सिलेक्शन क्राइटेरियाज भी आजकल बहुत बदले हैं। पहले बड़ा आसान था, बस जाओ प्रोस्पेक्टस खरीदो और अप्लाई करो और आपको एडमिशन मिल जाता था। आजकल इतना आसान भी नहीं है, बहुत सिलेक्टिव बच्चे आते हैं और उन्हें एक बोर्ड है जो डिसाइड करता है कि आपका एडमिशन कहाँ होगा। ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, आप इस प्रक्रिया को अप्रिशिएट करती हैं या फिर कुछ नहीं? इस प्रक्रिया को मैं जरूर अप्रिशिएट करूंगी क्योंकि ये जरूरी है। पहले ऐसा था कि हमको उतना कुछ पता नहीं था, उतनी ज्यादा कंपटीशन नहीं थी, पर आज के जमाने में बहुत ज्यादा अवेयरनेस बढ़ गया है, बहुत ज्यादा लोगों को जानकारी मिलती है इंटरनेट के द्वारा कि ये भी अवेन्यूज है, ये भी प्रोफेशंस है, इसमें भी हम एक्सेल कर सकते हैं या यहाँ पे भी हम अच्छा काम कर सकते हैं। तो उस वजह से हर एक मैं कहूँगी हर एक एरिया में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। तो इस वजह से ये प्रक्रिया जो है एडमिशन के लिए, खासकर प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज के लिए जी, वो बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। मैम, विद्या वही है जी। गुरु के चेहरे भले अलग हैं लेकिन गुरु के अंदर के जो भाव है या जो समर्पण का भाव है अपने स्टूडेंट्स के लिए वो भी सेम है मैम। डिफरेंस सिर्फ है कि आपके कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और आपका कॉलेज आपको और कुछ वैल्यू एडेड देता है या फिर एक एक्स फैक्टर उस कॉलेज का। मैम, आप प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को जब देखती हैं तो क्या एक्स फैक्टर देखती हैं, क्या एक वैल्यू एडेड देखती हैं जो स्टूडेंट को मिलता है यहाँ पर? दो आई कैन रियली से दैट प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इज द नंबर वन कॉलेज इन नागपुर, बट वाई? सर, सबसे पहला और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जैसे कि हम बोल रहे हैं स्किल डेवलपमेंट और कंपटीशन, ये सब सारी चीज़ें जब आती है तो बच्चे को उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, 360 डिग्री। हाँ, और हमारे यहाँ पे ये 360 डिग्री डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अपार्ट अकेडमिक्स तो है ही, उसको सवाल ही नहीं उठता, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते ही है और उसमें बच्चा एक्सेल करे इसके लिए भी बहुत कोशिश करते हैं। पर इसके अलावा हमें पता है कि बच्चों को सिर्फ एकेडमिक्स में एक्सेल करके नहीं होगा, उसकी पर्सनालिटी भी डेवलप होनी चाहिए, उसका बाकी इंग्लिश का नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, ये सारे स्किल्स भी उसके डेवलप होने चाहिए। इसके लिए हम उसको भी ट्रेनिंग देते हैं, हर एक लेवल पे उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। प्लस हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, को करिकुलर एक्टिविटी, इन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इस वजह से बच्चा टीम वर्क करना सीखता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स उसके डेवलप होते हैं, उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म मिलने से वो बहुत खुद को डेवलप कर सकते हैं। ओनली द थिंग इज बच्चे ने उन सब का एडवांटेज लेना चाहिए। मतलब मैं अपनी तरफ से दूंगी पर सामने वाला अगर उसका एडवांटेज लेगा ही नहीं तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता। तो ये पूरी डेवलपमेंट होने की वजह से मैं कहूंगी यही हमारे कॉलेज का एक्स फैक्टर है, जिसमें और इंफ्रास्ट्रक्चर तो सवाल ही नहीं उठता, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो भी फैसिलिटी हम मांगते हैं मैनेजमेंट से, प्रिंसिपल से, तो कभी भी नहीं रहता उनका, वो हमेशा रेडी रहते हैं वो सब प्रोवाइड करने के लिए, वो सब हमें मिलता है। मैम, ये जो 22-23 साल की जो आपकी जर्नी है जी, मैम इस जर्नी में डॉक्टर मनीषा जोशी में क्या बदलाव आया? बहुत बदलाव आया, बहुत बदलाव आया। मैं एज अ पर्सन, एज अ प्रोफेशनल, मैं बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई हूँ यहाँ पे पिछले 20-21 साल में। क्योंकि जब मैं ज्वाइन हुई मैं बहुत नई थी, मुझे कुछ पता नहीं था, मैं बहुत डरी हुई थी, इतने बड़े कॉलेज में मैं कैसे करूँगी, पहली बार बच्चों के सामने, बड़े बड़े बच्चे, वो भी इंजीनियरिंग के बच्चे, और शुरू में बाहर के स्टेट्स के बच्चे बहुत ज़्यादा आते थे यहाँ पे जी।
तो उन सब बच्चों के सामने मैं कैसे पढ़ाऊंगी, क्या करूंगी, बहुत बहुत मेहनत भी करती थी, बहुत मुझे करना पड़ता था. तो तब और आज की डेट में मुझ में बहुत बदलाव आया है, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. प्लस मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी यहाँ पे. प्रिंसिपल सर जो भी आज के जो भी है या पहले जो भी थे, वो भी बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, बहुत ट्रस्ट करते थे. बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती गई, बहुत सारे पोर्टफोलियोज अलग अलग हैंडल किए हुए. तो वो सब करते करते आज मैं यहाँ पे पहुँची हूँ. और पहले की मैं और आज की मैं में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये डिफरेंस बहुत अच्छा है. मैम, एक समय आता है हर प्रोफेसर के जीवन में जब वो शुरुआती दौर में किसी इंस्टीट्यूशन में जब जॉब करने की शुरुआत करते हैं, तब मैम वो अपने ऑफर लेटर में लिखे जाने वाली सैलरी को देखते ज़रूर हैं कि मुझे कितना मिल रहा है. मैम, कुछ साल बीतने के बाद मैम एक ऐसा भी टाइम आता है जब आपकी नज़र आपके सैलरी क्रेडिट्स पे बहुत ही नहीं के बराबर रहती है. आपका फोकस जो होता है वो आपका डिपार्टमेंट होता है, वो आपका काम होता है, वो आपके स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स की जिंदगियाँ होती हैं, और उनके लिए आप क्या बेस्ट टू बेस्ट कर सकते हैं वो आपकी कोशिशें होती हैं. एकदम सही. सो मैम, इन चीज़ों को लेकर जब आप अपने आप को देखती हैं तो क्या महसूस करती हैं? सर, ऐसा है कि सबको, मतलब हम लोग जब जॉब करने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, घर के लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है. इस वजह से ही हम लोग आज यहाँ पे इतने मुतमईन होके काम कर सक रहे हैं और अपना 100% कॉलेज को दे रहे हैं जब हम यहाँ पे रहते हैं तब. और ऐसा नहीं है कि हम फ्री में काम कर रहे हैं, हमको भी सैलरी मिल रही है, हमको सब फैसिलिटीज़ मिल रही है. और हाँ, आपने जैसे कहा कि एक समय के बाद उस पे ज्यादा फोकस नहीं रहता अपना, कुछ कम मिलता है, थोड़ा 19-20 का फर्क हर जगह रहता है. बिल्कुल. पर अगर हम अपने यहाँ के प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स को काउंट करें, तो मैं कहूंगी कि प्रियदर्शनी में प्लस पॉइंट्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है. हम बहुत फ्रेंडली तरीके से यहाँ पे रहते हैं, बहुत फ्रेंडली तरीके से काम होता है यहाँ पे. कभी कुछ किसी का नहीं पॉसिबल हो रहा है या किसी को छुट्टी लेने की जरूरत पड़ रही है, तो भी उसका काम किसी वजह से नहीं रुकता है, वो कोई और आके काम कर लेता है. तो बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, बहुत हंसते खेलते हम काम करते हैं यहाँ पे. तो इस वजह से वो सैलरी का जो पार्ट रहता है उस पर ज्यादा फोकस नहीं रहता. मैम, एक कोट है कि अ टीचर इज ऑलवेज अ स्टूडेंट. आई एम स्टिल अ स्टूडेंट. यस, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट. जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जनरेशन बहुत स्मार्ट है एंड आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद दिस जनरेशन. और उनसे तो बहुत सारी चीजें हमको सीखने को मिलती. मैम, क्या सीखा आपने अपने स्टूडेंट से पिछले 22 सालों में? सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो, मतलब टेक्नोलॉजी तो है ही, जो हम उनसे ही सीखते आ रहे हैं. सोशल मीडिया बहुत ज्यादा उनसे सीखना पड़ता है हमें कि इसको कैसे करना है, वैसे इसको कैसे करना है, वो सब. और दूसरा एक तरीका है आजकल के नए जनरेशन का, वो है लेट गो वाला जो एटीट्यूड उनका रहता है. जो बुरी चीज होती है उसको तुरंत वो निकाल देते अपने दिमाग से और वो रखते नहीं है, क्योंकि वो एक ब्लॉक, मेंटल ब्लॉक हो जाता है अदरवाइज, और उससे आप उतना 100% एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते. तो ये भी बहुत एक अच्छा एक उनका एटीट्यूड होता है जो मैंने सीखा है इन बच्चों से. और हाँ, फ्रेंडली रहना, उनके जैसे रहना, ये भी यंग एट हार्ट फील करना, ये भी उन्हीं से सीखा है. मैम, ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे कि वो कौन से आपके आइडल गुरु हैं जिन्हें आप अपने मन में लेकर चलती हैं? थोड़े दूर के देखे जाए तो मैं बहुत शुरू से ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बहुत बड़ी फैन रह चुकी हूँ, और उनको मैं हमेशा आइडियल करके ही मानती आती रही हूँ. और अगर पास के देखे, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेरे सीनियर्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है. घर में मेरे फादर इन लॉ है जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, मतलब अभी नहीं है वो, पर उन्होंने भी मुझे हमेशा बहुत एनकरेज किया, हमेशा मोटिवेट किया मुझे और आगे पढ़ने के लिए, मुझे और आगे बढ़ने के लिए. उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है. प्लस यहाँ पे हमारे यहाँ पे डॉक्टर मोडक सर थे, ही इज नॉट विथ अस नाउ, पर उन्होंने भी मुझे हमेशा बहुत मोटिवेट किया है. उनको भी मैं अपना गुरु मानती हूँ. मैम,
उम्मीद यही है कि जो जर्नी आपने शुरू की उसको आप जिस अंजाम तक ले जाएंगी वो अंजाम बड़ा खूबसूरत होगा। आप अपने आप को जिस मानसिकता के साथ अब तक आप लेकर चलते आई हैं और ये आपका जो प्रभाव रहा है अपने स्टूडेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के मन में जो आपने जगह बनाई वो इट्स रियली इंस्पायरिंग। एंड उम्मीद है कि आप अपनी जर्नी को ऐसी और आगे ले जाएंगे और हमें इंस्पायर करते रहेंगे। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। डॉक्टर मनीषा जोशी से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। एक चीज़ जो मनीषा मैम ने कही अपने इस इंटरव्यू के दौरान, और वो सवाल था कि उन्होंने यंगस्टर्स से क्या सीखा आज के, जो उन्होंने बोला कि आजकल के यंगस्टर्स बुरी चीज़ को लेट गो कर देते हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ सीखने को मिली है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स टीचर्स नहीं, लेकिन ये हर किसी ने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहिए। बिकॉज ये जो लेट गो वाला जो एटीट्यूड है, हाँ अगर हम नॉनसेंस देख रहे हैं, सह रहे हैं, तो उसे लेट गो नहीं करना चाहिए, उसके अगेंस्ट में अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन जब बात आती है कोई ऐसी चीज़ की जिससे हमारी ज़िंदगी में तनाव आए, कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस आए जो हमें पॉजिटिविटी की तरफ न ले जाएं, तो उसे लेट गो करना ही बढ़िया है ना। आपसे फिर होगी मुलाकात दिन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं और अपने परिवार के सदस्यों की छोटी मोटी गलतियां जो है ना उसे लेट गो करें, दिल पे ना लें, जिंदा रहें। जय हिंद।